नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन की ओर से एक दो दिन का हम लोग का एक जनरल काउंसिल था जो कि आज संपन्न हुआ, जिसमें हम लोगों ने हमारे संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इस संगठन की जो आंदोलन है, जो प्रत्येक चाय मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रही है, ज़मीनी लड़ाई, इस लड़ाई को हम लोग कैसे आगे बढ़ा के ले जा सके, इसके लिए बहुत सारे विषय को लेकर चर्चा हुई। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे समस्याएं निकल के आई है सामने, जिसे आने वाले दिन में संगठन इसके बारे में सोचेगी और इस समस्याओं को समाधान कैसे किया जाए, इसके बारे में भी संगठन की जो कमेटी है, वो कमेटी इसके बारे में चिंता भावना करेगी। इस विषय के लेके आज हम लोगों ने शिशु झुमरा में पूरे दो दिन का एक सेशन रखे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे समस्याओं को लेके, जन आंदोलन को लेके चर्चा की। प्रोग्राम में आज रहे जो कि हमारे संगठन कर आगे कर रणनीति कैसे करल जाए और हमारे संगठन में कैसे एकजुट हो बन, कैसे तालमेल बनाई के रखब और आगे कर का करे लेके आज हमने एथलबाड़ी में थोड़े कुल कुछ युवा मिल के हमने इके एक सभा रखा। चाय बागान में हम लोग उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के तरफ से दो दिन का वर्चुअल मीटिंग रखा गया था। इस मीटिंग का उद्देश्य चाय बागान के ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार के बारे में उन लोगों को किस प्रकार से हम लोग साथ देंगे और किस प्रकार से उन लोगों के अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे और हम लोग उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के किस प्रकार से प्रत्येक चाय बागान में मेम्बरशिप हम लोग जोड़ पाएंगे, इसी बात को लेके, इसी निर्णय को लेते हुए दो दिन का वर्चुअल मीटिंग हम लोग का शिशु झुमरा चाय बागान में था। तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत दूर दूर से हम लोग के युवा लोग जुड़े हुए थे, जैसे मेटली से, मुजने चाय बागान से, बंगावाड़ी चाय बागान से, कालचीनी चाय बागान से, सालवाड़ी चाय बागान से, बहुत सारे चाय बागानों से हम लोग के युवा और युवती लोग जुड़े हुए थे। बहुत ही चाय बागान की जो रणनीति है, जो एक पूरे डुअर्स तराई पहाड़ को लेकर जो एक जन आंदोलन की बात सोच रहे हैं, उस रणनीति के ऊपर आज चर्चा हुई आज के इस मीटिंग में। कहाँ कहाँ से लोग आए थे? आज लगभग डुअर्स के सभी चाय बागान से एक या दो जुड़े थे। आंदोलन ये सभी रणनीति के तहत एक संगठन जो फैसला लेगा हम उसके साथ रहेंगे। आज हम इन शिशु झुमरा मादारे हाट ब्लॉक में आज हम इन उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन का जितना भी सदस्य मन उपस्थित हो रही, जेकर हम इन प्रोग्राम रहे हमरे कर दो दिन कर, एक रात हम ही आज हम होल्ड कर रही, जेकर में सांगठनिक चर्चा बहुत सारा होलक, जेकर में आने वाला हमरे कर जो रणनीति जो हुए कला है, जेकर विषय में हम इन चर्चा कर ली और सांगठनिक हमरे कर ब्लॉक कमेटी से लेके डिस्ट्रिक्ट कमेटी कर लेके भी हम इन बात कर ली और आवे कला 29 अगस्त 2021 के उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन कर दो दिवसीय बैठकी होलक और उकर में संगठन कर बहुत सदस्य मन, अलग अलग ब्लॉक कमेटी कर सदस्य मन और सेंट्रल कमेटी के मेंबर मन आए रहें और उकर में बहुत सारे चाय श्रमिक मन कर समस्या लेके चर्चा होलक और उकर वह चर्चा कर माध्यम से रणनीति बनाल गेलक कि कैसन चाय श्रमिक मन कर आंदोलन के आगे लेके जावल जाए और उकर में कैसन करके और अच्छा भूमिका निभा सकी उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन। आज शिशु झुमरा मादारीहाट ब्लॉक में आज जमीन कर एगो सेशन करल रहे, जेकि 28 और 29 तारीख के, जेकि संगठन कर लेके उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन आगामी दिन कैसन काम करी और संगठन के कैसन रूप से आगे लेके जाए, से कर लेके आज जमीन आलोचना कर। चाय श्रमिक संगठन की ओर से शिशु झुमरा मदारी हाट में एक दो दिन का जनरल काउंसिल था, हम लोग का दो दिन का प्रोग्राम था, जिसमें हम लोगों ने संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, संगठन की रणनीति क्या होनी चाहिए, आने वाले दिनों में जो जमीन का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम लोग कैसे आगे लेके जा सके, इस विषय में आज हम लोगों ने चर्चा किया और हमारे संगठन के बहुत सारे मेंबर्स आए थे, मेटली ब्लॉक से, मदारीहाट ब्लॉक से, कालचीनी ब्लॉक से, नगाटा ब्लॉक से, बहुत सारे ब्लॉक से लोग आए थे और अपना जो विचार है, अपना जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने अपना सुझाव, अपना आइडियोलॉजी सभी एक साथ मिलकर शेयर किए और इससे ही हम लोग आने वाले दिनों के लिए रणनीति बनाएंगे, जो कि दो दिन का प्रोग्राम था जो कि अच्छे खासा हुआ।